गुड मॉर्निंग। प्लस वन क्लास का हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट है, फर्स्ट एक्सरसाइज मैथमेटिक्स की। देखिए आपने चार नंबर क्वेश्चन तक कर लिए, क्या आज हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, सिक्स और सेवन के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट क्या है और इनफाइनाइट क्या है, ये बात मैंने आपको बताया कि फाइनाइट फाइनाइट वो होता है जिसका इनिशियली पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों अपने को पता हो, वो होता है फाइनाइट। इनफाइनाइट वो होता है जिसका सिर्फ अपने को इनिशियली पॉइंट पता हो लेकिन फाइनली पॉइंट अपने को पता न हो, तो वो क्या होता है आपका इनफाइनाइट। अब आप देखिए फर्स्ट लिखिए आपका फर्स्ट सिर्फ लिखना, आपने देखिए वन से लेके और 1000 तक इनिशियली भी पता है और फाइनली भी पता है, तो इसका मतलब क्या गया जी फाइनाइट सेट। सेकंड द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल ग्रेटर देन 1000। अब देखिए पॉजिटिव और ग्रेटर देन 1000 यानी उसे ग्रेटर देन पॉजिटिव इंटीग्रल ग्रेटर देन 1000 से आगे 1000 इसके हिसाब से यानी उसके पॉजिटिव इंटीग्रल, तो इसका मतलब इनफिनिटी तक चले जाएंगे। इनिशियली तो पता लेकिन फाइनली पता नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया इनफाइनाइट सेट। समझ हो गया इनफाइनाइट सेट। सेकंड थर्ड x belong to n, x जो belong कर रहा है natural number के साथ में, x square is equal to 4। अब देखिए x square is equal to 4, x की value जब आप निकालेंगे 4, तो x की value क्या आएगी आपके पास 2, तो 2 क्या है यानी एक natural number क्या है, तो set के अंदर क्या लिख सकते हैं हम 2 को लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा ये finite यानी initially यही है और finally भी यही है, तो third क्या है आपके पास finite है। उसके बाद आ गया आपका फोर्थ, फोर्थ में क्या क्या है x दैट x बिलोंग टू n x माइनस 1 x माइनस 2। अब आप देखिए x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 1, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 2, दो नंबर आए थे जिनको हम सेट के अंदर ले सकते हैं यानी 1 और 2, तो इनिशियली भी पता और फाइनली भी पता, तो इसका मतलब क्या आ गया फाइनाइट सेट। और यही थे आपके, यही है चार पार्ट। अब आगे थे हम सिक्स के ऊपर, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर नंबर सिक्स का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कह रहे हैं। इन द फॉलोइंग स्टेट ए इक्वल है बी, ए इक्वल है बी, या ए और बी इक्वल है या नहीं है, ये बात अपने को बता दें। इक्वल का मतलब क्या है यानी ए वाले बी के अंदर होने चाहिए सभी, ए वाले सभी एलिमेंट किसके अंदर चाहिए हमने को बी के अंदर चाहिए, ए वाले सभी एलिमेंट किसके अंदर चाहिए हमने को बी के अंदर, और बी वाले ए के अंदर, कहने का मतलब दोनों के अंदर चाहिए हो। तो अब आप देखिए क्या है कि 4 है 8 है 16 है लेकिन 12 आपका नहीं है किसके अंदर b के अंदर, तो a is not equal to b, a जो आपका b के इक्वल नहीं है। उसके बाद दूसरा 2 4 6 8 10 x दैट x पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव दो इवन दो इंटीजर होंगे, पॉजिटिव इवन इंटीजर का मतलब है आपका 2 4 6 8 10 क्योंकि इक्वल टू तक गया, तो ये हो गया इसके अंदर 2 4 6 8 10, इसमें क्या है 2 4 6 8 और 10, तो दूसरे पार्ट में क्या है a इक्वल है किसके b, तीसरा पार्ट थर्ड पार्ट के अंदर देखेंगे आप, थर्ड पार्ट में क्या है x दैट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहां से निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या निकल आएगी आपकी x is equal to 5 निकल आएगी। अब इससे निकालेंगे x is a positive integral root of the positive integral, जब आप इसके टुकड़े करेंगे क्या करेंगे जब इसके टुकड़े, इसके जब आप टुकड़े कर रहे हैं तो x square माइनस के 2x आना चाहिए, माइनस के 5x प्लस के
ये हो गया जी आपके पास 2x, 5 × 15 3, 3x, 5x plus 3x minus 15 is equal to 0. एक पार्ट ये हो गया, ये हो गया, तो x आ गया कॉमन, x minus 5 plus 3 आ गया कॉमन, x minus 5 is equal to 0. x is equal to minus k 3 और x is equal to plus k 5. यानी x is equal to plus k 5 इसमें भी है और x is equal to 5 यानी पॉजिटिव रूट बताया था इसने, पॉजिटिव इंटीग्रल. क्या बताया था आपने? पॉजिटिव इंटीग्रल. तो पॉजिटिव यानी नेगेटिव वाला तो अपने को लेना है, नहीं कौन सा लेना सिर्फ पॉजिटिव. इसमें भी पॉजिटिव, इसमें भी किया था आपका x is equal to 5, इसमें भी किया था x is equal to 5. तो k इक्वल किस पे है आपके पास? b है. कई बच्चे क्या कहते हैं माइनस 3. अरे माइनस 3 क्या है इसमें? अगर हम क्या पॉजिटिव इंटीग्रल है, कौन सा? पॉजिटिव इंटीग्रल. अब अगला है, ये कह रहे हैं मोड 2 से कम बिलोंग है किसके साथ में? इंटीजर के साथ. इसके साथ में इंटीजर. 2 से छोटे यानी मोड के अंदर है. मोड के अंदर ये वैल्यू किसी चीज की हो सकती है आपकी, नेगेटिव भी हो सकती है, किसी चीज की हो सकती है आपकी पॉजिटिव भी. तो अब 2 से जो छोटे हैं, 2 से छोटे क्या हो गया जी आपके पास? 2 से छोटा हो गया जी 1, 0, माइनस 1, 1, 0, माइनस 1. अब यहाँ क्या है? माइनस 1 और 1, 0 तो नहीं है. तो इसका मतलब कोर्ट में क्या गया जी? A इज नॉट इक्वल टू B. A इज नॉट इक्वल टू B. उसके बाद आ गया जी आपका 7th, आंसर नंबर 7. 7th का फर्स्ट पार्ट क्या बताना है? A इक्वल है B के. अब देखो सेट्स के अंदर ये डेफिनेशन होती है, एक एलिमेंट एक ही बार आना चाहिए. अगर ज्यादा बार आता है तो हम सिर्फ एक ही बार उसको काउंट करते हैं. तो इसी के अनुसार अब आप देखें ए बी सी, पहले ए बी सी, इसमें भी ए बी सी है. ए दो बार आ गया है संख्या, लेकिन ए बी सी, ठीक है जी, ए बी सी तीन बार आ गया, लेकिन एक ही बार काउंट हुआ. तो इसका मतलब क्या है? इक्वल है. क्या ये इक्वल है? ए बी सी ये क्या है आपका फर्स्ट पार्ट? क्या है जी? ए बी सी इक्वल है जी ए बी सी और ए, और इसी के हिसाब से जब आप इक्वल है ये भी बी ए सी बी, यानी ये सभी जो भाग हैं क्या है? इक्वल है. दूसरा जो भाग है, अब इसके अंदर भी यही चीज अपने को बतानी भाई इक्वल है या नहीं है. अब आप देखिए यहाँ क्या थी 1, 2, 3. अब इसके टुकड़े बना सकते हैं x के माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3, 2, 1. और उस तरह क्या आएगा जी? जब इसके आप टुकड़े बनाओगे तो क्या आएगा जी? 3, 2 और 1 इसके टुकड़े आएंगे. तो ये भी क्या हो गया जी? इक्वल हो गया. तो ये भी क्या है आपके? इक्वल है. 1, 2, 3, 3, 2, 1 और 1, 2, 3. 1, 2, 3 इक्वल है जी 3, 2, 1. इसके हिसाब से क्या है जी आपका? इक्वल है. समझ में आ रही है जी? यानी ये आपका क्या है? इक्वल है क्या? x सबट्रैक्ट x की क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. क्योंकि इसके आप टुकड़े बनाओगे तो क्या है ये? 1, 2, 3. ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 5. इसमें फिर भी कोई समस्या आती है, इक्वल का मतलब क्या है? यानी वो एलिमेंट उसके अंदर होने चाहिए दूसरे के अंदर, वो इक्वल मान लिया जाता है. यानी एक बार ध्यान रखनी सी, चाहे 3 बार आओ, चाहे 4 बार आओ, चाहे 2 बार आओ, तो कितने बार काउंट होगा जी आपका? सिर्फ 1 बार काउंट होगा. और फाइनाइट इनफाइनाइट की आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए. इक्वल के बारे में था, फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में था. ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी. धन्यवाद. Thank you.